Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from tradingfab.in. Today, 11th October है, Thursday है, इस week का second last trading session है. आज Bank Nifty की weekly expiry भी है. कल हमने देखा कि Nifty में, Bank Nifty, Nifty में जबरदस्त bounce back देखने को मिला. Nifty में almost 200 points का bounce back देखने को मिला. क्या ये bounce back जो है, वो bull run में convert होगा? या फिर ये रिकवरी फेज है, चार्ट क्या कहता है ये देखेंगे, आज की इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाएंगे निफ्टी के लिए. लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है, कल 10th अक्टूबर मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद लिया हुआ पिक्चर है. तो जैसे कि आपने हमारा कल का अगर वीडियो देखा होगा तो हमने वहां पर ब्रेकआउट लेवल मार्क किया था 10,400 के आसपास, क्योंकि लास्ट टू डेज मंडे और ट्यूजडे वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था निफ्टी इंडेक्स, और फर्स्ट टारगेट था 10,434 और सेकेंड टारगेट था 10,444 और ब्रेकडाउन लेवल था 10,254. मार्केट ओपन होते ही टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव होने लगा और फर्स्ट आर में इसने 10,400 का रेजिस्टेंस फेस किया. लेकिन सेकेंड आर में जैसे ही इसने 10,400 क्रॉस किया कंफर्टेबली, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट 10,434 और सेकेंड टारगेट 10,444 ये भी अचीव हुआ. तो कल अगर इस स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड करते तो यहाँ पर अराउंड 40 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो 30,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था हमारे कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते हैं ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं. ग्लोबल मार्केट का डेटा देखना बहुत ही जरूरी होता है. ग्लोबल मार्केट देखें तो अमेरिकी मार्केट और यूरोपियन मार्केट कल काफ़ी प्रेशर में बंद हुए, लाल निशान में बंद हुए. डाउ जोन्स देखे तो 800 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ है. नासडैक भी 300 पॉइंट के गिरावट के साथ बंद हुआ है. अमेरिका चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है उसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट के ऊपर दिखाई दे रहा है. ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फेडरल रिजर्व भी है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं. तो ये एक जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज मार्केट 900 पॉइंट्स के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. चाइना मार्केट में भी 67 पॉइंट की गिरावट है. हांगकांग मार्केट 800 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो इस समय 200 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. और एसजीएक्स निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी 250 पॉइंट्स के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो काफ़ी निगेटिव संकेत आ रहे हैं इस समय. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. चार्ट क्या कहता है? कल जो बाउंस बैक आया था, क्या वो बुल रन में कन्वर्ट हो सकता है? चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है वो देखते हैं. ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. अभी फिलहाल यहाँ पर तो जो ये 20 EMA का लाइन है, हम जो पास्ट वीडियोस से कहते आ रहे हैं कि ये जो 20 EMA का लाइन है मंथली चार्ट में, वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है. यहाँ पर अराउंड 10,290 के पास एक सपोर्ट है मंथली चार्ट, एज पर मंथली चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है ये हम कह सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी मंथली चार्ट में, लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट में ये 20 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है. ठीक है, तो ये फर्स्ट सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट द्वारा जो नेक्स्ट लेवल है वो हम जान सकते हैं, जो कि अराउंड 38.2% यानी 9875 के आसपास आ रहा है, जहाँ से लास्ट पास्ट में भी मार्च में हमने बाउंस बैक देखा था. तो अगर ये 10,290 का लेवल ब्रेक होता है तो 9875 नेक्स्ट सपोर्ट होगा. ठीक है, तो ये मंथली चार्ट का सीनारियो है, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट का सीनारियो. चलते हैं वीकली चार्ट में. वीकली चार्ट में देख सकते हैं आप, ये जो 100 EMA का लाइन है, 100 EMA वो अराउंड 10,100 के पास आ रहा है. तो एज पर वीकली चार्ट 10,100 ये सपोर्ट का काम कर सकता है, और ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 10,660, ये जो 50 EMA का लाइन है वो. वीकली चार्ट में तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बना रहा है लास्ट 5 वीक से. ये 6th वीक चालू है, तो देखते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट टेस्ट करके यहाँ से बाउंस बैक होता है, या फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये ऊपर में, अगर निफ्टी ऊपर में अगर ट्रेड करता है तो ये 10,660 का रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर सकता है. ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल काफ़ी निगेटिव संकेत आ रहे हैं. डेली चार्ट में चलते हैं.
डेली चार्ट में, जैसे कि हमने मंडे के वीडियो में भी देखा, यहाँ पर हैमर टाइप का कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ था। एग्जैक्ट हैमर नहीं था, लेकिन उसके जैसा ही हैमर कैंडल दिखने वाला कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ था। तो इस डाउन ट्रेंड में ये चौथी बार है कि यहाँ पर ये हैमर जैसा कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है, और हमें 3 बार यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ और हमें बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन ये बुल रन में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये यहाँ पर सेकेंड टाइम हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, बाउंस बैक देखने को मिला लेकिन बुल रन में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये थर्ड टाइम हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर बाउंस बैक भी देखने को नहीं मिला। और ये फोर्थ टाइम है जहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ और हमें यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला, लेकिन क्या ये अभी बुल रन में कन्वर्ट होगा? लास्ट 2 टाइम्स तो ये फेल हुआ था बुल रन में कन्वर्ट होने के लिए, ये थर्ड टाइम है। तो देखना होगा कि यहाँ से बुल रन कन्वर्ट होता है, बुल रन में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। अगर मैं यहाँ पर स्विंग हाई लो अगर मैं ड्रॉ करूँ, स्विंग हाई लो, तो आप देख सकते हैं अप ट्रेंड में जब होता है तो यहाँ पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनता है, और जैसे डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हमें यहाँ से अप ट्रेंड अगर देखना है तो हमें यहाँ पर हायर हाई हायर लो ये फॉर्मेशन यहाँ पर बनना बहुत ज़रूरी है, तो ये बुल रन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जस्ट एक बाउंस बैक है, देखना होगा ये बुल रन में कन्वर्ट होता है या नहीं, या फिर अगर इसने ये लास्ट जहाँ पर सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है अगर वो ब्रेक करता है तो निफ्टी और भी नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये पैटर्न प्राइस एक्शन में देखना बहुत ज़रूरी है, तो हम बुल रन में ये कन्वर्ट हो सकता है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ट्रेंड डाउन है और ये बाउंस बैक है वो रिकवरी फेज है। तो अब तक यहाँ पर बुल रन स्टार्ट हुआ है ये कहा नहीं जा सकता, कन्फर्मेशन नहीं है, सिर्फ सिग्नल मिला है, सिर्फ कन्फर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं आज के लिए। कल का ये जो हाई बनाया था 10,482 के आसपास, अगर ये इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही बाय पोजीशन बनाए इंट्राडे के लिए, और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 10,522। अगर निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है तो ये जो कल का लेवल था हमारा ब्रेकआउट लेवल 10,400 के आसपास, वहाँ पर ही 200 EMA आ रहा है 60 मिनट के चार्ट में, वहाँ पर ही 200 EMA आ रहा है। अगर निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव होता है और 20 EMA और 10,400 के नीचे सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए और फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 10,358। हो सकता है आज गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहाँ पर ट्रेड मत कीजिए, सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए। काफ़ी रिस्की हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग में ट्रेड करना, और जो नए हैं फ्रेशर्स हैं सिर्फ वेट एंड वॉच करें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है। तो बेटर है ऐसे फेस को अवॉइड करें, जब मार्केट स्टेबल होगा तब एंट्री कीजिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।